हाय फ्रेंड्स, पहले ये छोटी सी क्लिप देख लीजिए। देखिए एक नन्ही सी बर्ड। तो आज हम बात करने वाले हैं इन प्यारे प्यारे से फ्लावरिंग प्लांट नास्ट्रेशियम के बारे में। देखिए ये स्प्रिंग सीजन का फ्लावर है। स्प्रिंग सीजन में ये एकदम बहुत ज़्यादा अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। तो इनकी लीव्स भी देखिए कितनी प्यारी लगती है, एकदम राउंड शेप में ऐसा लगता है जैसे लोटस की लीव हो। ये मेनली ऑरेंज, येलो और लाइट येलो ऐसे कलर में आते हैं। इसमें एक वैरायटी आती है जिसकी लीव वेरिएटेड होती है, मेरे पास वो वाला नहीं है। और बहुत ही इजी टू ग्रोइंग, क्योंकि इसे सीड से भी आप उगा सकते हैं और इनकी सैपलिंग ला के लगा सकते हैं। ये देखिए इनके सीड्स बन रहे हैं, बड़े साइज के सीड्स होते हैं। ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं, फिर ये खुद ही ज़मीन में गिर के नए नए प्लांट्स उगने लगते हैं। ये व्यू मैं अपनी छत पे जो क्यारी है उसका दिखा रही हूँ। तो क्यारी में तो ये बहुत ही अच्छे से, ये देखिए नीचे की तरफ बिल्कुल लटके हुए इस तरह से हो रहे हैं। इनकी कोई खास केयर नहीं चाहिए क्यारी में, तो मैंने सिर्फ सॉयल और जो किचन में वेस्ट की कंपोस्ट में बनाती हूँ मैंने वही डाला है, और सारे प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं। देखिए एक ये लाइट येलो सा कलर है इसका। तो ये बहुत खूबसूरत लगते हैं, फ्लावर नहीं भी होते तो इनकी लीफ इतनी प्यारी लगती है, और फ्लावरिंग की तो क्या ही बात है। तो इसे आप छोटे से छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, मैं अभी दिखाऊंगी आपको। मैंने एकदम छोटे से पॉट में भी लगाया है और क्यारी में तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ के, ये देखिए कितने अच्छे से एकदम घने घने येलो ऑरेंज, एकदम जैसे बसंत के मौसम में एकदम खिल के आए हुए हैं। ये देखिए, और पॉलिनेटर्स, बर्ड सबको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाले फ्लावर हैं। बहुत ही खूबसूरत व्यू है इसका। तो जैसा कि मैं कह रही थी, अगर हाँ आप इसे छोटे पॉट में या हैंगिंग पॉट में लगाते हैं, मैंने हैंगिंग बास्केट में लगाया था शुरू में जो क्लिप दिखाई थी। ये देखिए ये मेरा एक मग प्लांटर है, बस ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच या 7 इंच का होगा। इसमें भी देखिए कितने अच्छे से फ्लावरिंग कर रहा है, और क्योंकि हैंगिंग बास्केट की सॉयल हमें थोड़ा लाइट लेनी होती है, तो इसमें मैंने बस राइस हस्क, कोकोपीट और कॉम्पोस्ट, ये तीनों का मिक्सचर लिया हुआ है, तो जिससे हमारा पॉट लाइट वेट रहे। और फर्टिलाइजेशन के बारे में तो बस मैं 15 दिन में वही मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र इन सभी अपने विंटर वाले सीजनल प्लांट जितने भी हैं सब में वही देती हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड केक को 20 लीटर वाली बाल्टी में 250 ग्राम मस्टर्ड केक डाल के उसे भिगा देती हूँ, और 5वें दिन पूरा पानी, मतलब 20 लीटर पूरा भर के उसको मिक्स करके अच्छे से मैं सब में दे देती हूँ। और आप चाहें तो DAP के 2-4 क्रिस्टल्स आप दे सकते हैं 15 दिन में एक बार, इनकी सॉयल में थोड़ा सा दबा दीजिए, बस ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी बहुत। तो कैसा लगा आपको वीडियो? थैंक यू, बाय बाय।